स्नेहा और आज हम लोगों को पढ़ना है द्विसंकर संकरण यानी दो जीन की वंशागति के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। और मेंडल का जो थर्ड लॉ है या फिर मेंडल का जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले उसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, इससे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जिस मतलब जो हमारे मेंडल के जो पहला और सेकंड वाला जो लॉ था, दो नियम जो मेंडल के थे स्टार्टिंग के, वो हमारे बेस थे। किस पर बेस्ड थे वो? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, ठीक है, एक संकर संकरण पर। फिर हम लोगों ने कहा कि जो मेंडल का थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है, वो हमारा आधारित है दो जीन की वंशागति या फिर द्विसंकर संकरण पर, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम पहले उसे पढ़ने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझें, देन हम लोग वहाँ पर फिर समझेंगे कि मेंडल का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को पढ़ना है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक, और मतलब जब हम एक कैरेक्टर को बेस मानकर वहाँ पर करवाते हैं क्रॉस, तो उसे हम कहते हैं इट्स कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिमिलरली जब हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर, दो कैरेक्टर के बारे में उनके बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं, दो कैरेक्टर की कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में, ठीक है, जब हम क्रॉस करवाते हैं, तो हम उसे कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, यानी कि हमें पढ़ना है दो जीन की वंशागति। क्या पढ़ना है हमें? दो जीन की वंशागति। डाइहाइब्रिड क्रॉस या फिर द्विसंकर संकरण। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं कि मतलब क्या कहता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मैं पहले लिख सकती हूँ कि डाइहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम लोग डेफिनेशन एक तरह से कह सकते हैं कि अगर डेफिनेशन की हम बात करें, तो मैं कह सकती हूँ कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर के, किसके, पी प्लांट को, ठीक है, जब हम दो विपरीत लक्षण यानी कि दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, दो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन है वो पी प्लांट के ही, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट पे ही तो क्या किया था, मतलब उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम पी प्लांट के दो कैरेक्टर्स को लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने लिया था, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था वो था प्लांट की हाइट को लेकर के, ठीक है। तो हाइट उन्होंने ली थी टॉल और डॉर्फ ली थी, ठीक है, लंबा पौधा या फिर बौना पौधा है। यहाँ पर हम लोग जो कैरेक्टर्स लेते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए मेंडल ने? कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए मेंडल ने? लिया बीज का आकार और बीज का रंग, ठीक है, ये दो कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे, ठीक है, मटर के, किसे, मटर के, पी प्लांट के बीज का रंग, इंग्लिश हम कह सकते हैं शीड शेप, ठीक है, और शीड कलर, ये दो कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने, किसके, मटर के, मटर के। उन्होंने कहा कि दो कैरेक्टर के बीच में अलग, तो उसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर था, ठीक है, पौधे की लंबाई, उसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन सी थी? एक तो थी लंबाई मतलब लंबापन, ठीक है, और एक था बौनापन। दो ट्रेड्स थी उसके, दो प्रकार थे। जब एक कैरेक्टर की दो ट्रेड्स हो सकती हैं, तो दो कैरेक्टर्स की कितनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होंगी? चार, ठीक है, चार उसके विपर्यासी लक्षण होंगे। तो बीज का आकार और बीज का रंग, इनकी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अलग अलग होंगी। कौन कौन सी? बीज का आकार होगा कि वो गोल है, यानी कि राउंड है,
या फिर वो है झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार, रिंकल्ड। इसी तरीके से बीज का रंग, अब बीज के रंग में कि बीज पीला है यानी कि येलो है, या फिर ग्रीन है, या फिर हरा है। ठीक है, ये होंगे ट्रेड्स, विपर्यासी लक्षण। तो ये ट्रेड्स थी। अब उन्होंने कहा कि इसमें से जो गोल वाला होगा, जो राउंड वाला होगा, वो होगा हमारा प्रभावी, और रिंकल वाला होगा अप्रभावी। ठीक है, यानी कि ये डोमिनेंट होगा और ये रिसेसिव होगा, प्रभावी। और यानी कि गोल वाले को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, सभी जानते हो। ठीक है, एलेल्स जो इसके बनेंगे उसमें जो कैपिटल आर होगा, और रिंकल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बताया था मैंने कि डोमिनेंट वाले को कैपिटल लेटर से और रिसेसिव वाले को उसी की मीनिंग की, मतलब इंग्लिश मीनिंग की स्मॉल लेटर से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, बताया था मैंने। तो हम गोल वाला जो होता है उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और झुर्रीदार को स्मॉल आर से। तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, उस पर प्रभावी होगा। सिमिलरली कि पीला वाला उसे हम लोग कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हरा है उसे कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई से। ठीक है, तो कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है हमेशा, तो ये पीला वाला जो है वो प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा, और हरा जो है वो अप्रभावी होगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है। तो इतना उन्होंने पहले बता दिया कि डायहेब्रिड का मतलब क्या है। छोटी सी भाषा में समझो कि डायहेब्रिड का मतलब हुई, या फिर दो जीन की वंशागति। मैंने कहा था कि एक कैरेक्टर को एक जीन जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, एक जीन। ठीक है, अगर एक जीन है तो वहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यानी कि एक जीन की वंशागति यानी कि एक कैरेक्टर को हम क्रॉस करवा रहे हैं। दो जीन की वंशागति यानी कि वहाँ पर दो जीन है यानी कि दो कैरेक्टर्स हैं। तो सिमिलरली सिंपल सी बात है कि वहाँ पर दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या करवाया जा रहा है, क्रॉस करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या है कि जब हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण करवाते हैं, ठीक है, दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाते हैं, यानी कि कैरेक्टर दो हैं मटर के, पी प्लांट के, हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेते हैं। एक तो लेते हैं बीज का आकार यानी कि शेप ऑफ सीड, और एक है बीज का रंग यानी कि कलर ऑफ सीड। ठीक है, इसकी चार कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होती हैं। कौन कौन सी, शेप की अगर बात करें, ठीक है, शीड शेप की, तो वहाँ पर एक गोल आ जाता है, राउंड आ जाता है, और एक रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। शेप ऑफ कलर ऑफ सीड की अगर बात करें तो वहाँ पर एक येलो आ जाता है जो कि डोमिनेंट है। ठीक है, पीला बीज का जो रंग है वो पीला हो सकता है जो कि डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन है, हरा वाला, ठीक है, ग्रीन वाला। अब बारी है कि हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, डोमिनेंट वाले को एक साइड करेंगे और रिसेसिव वाले को एक साइड करेंगे, फिर उनके बीच में हम करवाएंगे संकरण। ठीक है, तो डोमिनेंट वाले जो कैरेक्टर थे वो कौन कौन सा था, वो था गोल और पीला। ठीक है, और रिसेसिव वाला जो था कैरेक्टर वो कौन कौन से थे, झुर्रीदार और हरा। ठीक है, ये दो कैरेक्टर थे, इनके बीच में अब इसके जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे जो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। गोल को रिप्रेजेंट करेगा यानी जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर और येलो को कैपिटल वाई। ठीक है, इतना समझ में आया। झुर्रीदार को स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट्स हैं यानी कि जनक, ये हमें प्राप्त हुए, क्या जनक प्राप्त हुए, क्रॉस करवाएंगे, साइन लगा देते हैं। अब हम गैमेट्स बनाएंगे यानी कि युग्मक, युग्मक, युग्मक क्या बनेंगे, मैंने कहा कि सेम है, कैपिटल आर है, तो यानी कि गैमेट्स बनते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, ड्यू टू गैमेट फॉर्मेशन जो एलील्स होते हैं वो मतलब आधे आधे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जनक से आधे कैरेक्टर ही गैमेट्स में आ पाते हैं, तो कैपिटल आर और इसका कैपिटल वाई। ठीक है, सेम चीज़ यहीं पर होगी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये हमें मिल गए गैमेट्स। ठीक है, ये हमें मिल गए गैमेट्स। अब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे,
तो आर के साथ आर आ जाएगा और वाई के साथ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो एफ एन जनरेशन मिलेगी उसमें हमें ये संतति मिलेगी, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गई हमें एफ वन जनरेशन एफ वन पी डी, समझ में आया। और ये जो संतति है ये कैसी होगी, गोल और पीला, यानी कि एफ वन जनरेशन में जो बीज बनेगा वो कैसा होगा, गोल होगा, राउंड होगा और येलो होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा था कि अगर दोनों में से जो डोमिनेंट वाले, अगर मतलब जो हमें संतति मिल रही है वहाँ पर अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट वाला अपना प्रभाव दिखा देता है, क्योंकि डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले पर, प्रभावी वाला अप्रभावी वाले पर क्या होता है, प्रभाव दर्शाता है, प्रभावी होता है, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी है, यानी कि डोमिनेंट है, तो उसने अपना कैरेक्टर दर्शा दिया। तो बीज जो है वो कैसा बनेगा, गोल बनेगा और पीला। लॉ ऑफ असॉर्मेंट, एक छोटे सी हिंट देती हूँ, लॉ ऑफ असॉर्मेंट ये कहता है कि एक कैरेक्टर की वंशागति दूसरे को कैरेक्टर को वो नहीं करती, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती, उसे वो जो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना कैरेक्टर शो करते हैं, उनकी जैसी मर्जी वो किसी के साथ भी रिलेशन बनाकर वो एक न्यू गैमेट बना सकते हैं या फिर नई संतति वो बना सकते हैं, ठीक है। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ असॉर्मेंट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है एफ वन जनरेशन में हमें ये संतति मिली। जो एफ टू जनरेशन होती है, अब एफ टू जनरेशन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हमें वो निकालनी पड़ेगी पुनेट वर्ग स्क्वायर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो चार प्रकार के गैमेट्स बनेंगे जो कि इस तरह के क्रॉस से नहीं हो पाएगा। तो हमेशा की तरह, क्योंकि मैंने पुनेट वर्ग स्क्वायर समझाया था और किस तरह से हम क्रॉस करवाएं तो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एफ टू जनरेशन हमें किस प्रकार की संतति प्राप्त होती है और कितने प्रकार के गैमेट्स वहाँ पर बनते हैं, और रेशियो भी अभी हम निकालना देखेंगे। तो F2 जनरेशन के लिए हमें क्या मिला था, F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल Y। इसके गैमेट्स को अगर हम देखें तो गैमेट्स हमको इसके चार प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं, कौन कौन से, पहले हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, सेल्फिंग करवाना पड़ता है। सेल्फिंग हम जब करवाते हैं तो अभी हमें गैमेट्स देखना है, तो क्या मिलता है, हमें चार प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं, कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, चार प्रकार के गैमेट्स हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बनाते हैं पुनेट वर्ग स्क्वायर और इन चार गैमेट्स की हम करवाएंगे सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फिंग करवाएंगे, यानी कि चार प्रकार के गैमेट्स हमारे मेल पेरेंट की तरह काम करेंगे और चार प्रकार के चार ये गैमेट्स फीमेल की तरह काम करेंगे, ठीक है। एफ टू जनरेशन के लिए अब हम लोग को करना पड़ेगा पुनेट वर्ग स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुनेट वर्ग स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि जो गैमेट्स हमें मिले थे, चार प्रकार के गैमेट्स वहाँ पर बने थे, तो हम क्या करवाते हैं, उनकी सेल्फिंग करवाते हैं, किसकी हेल्प से, पुनेट वर्ग स्क्वायर की हेल्प से, क्योंकि हमें एफ टू जनरेशन पानी है, ठीक है। तो एफ टू जनरेशन पाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा पुनेट वर्ग स्क्वायर। अब हम दोनों साइड गैमेट्स को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं मेल पेरेंट को और यहाँ पर हम रख देंगे फीमेल पेरेंट को। पेरेंट तो सेम ही होंगे, ठीक है, लेकिन हमें उन्हें समझकर एक बार में उन्हें, मतलब एक जो लाइन थी गैमेट्स की, सेम गैमेट्स हमें मिले थे, मतलब तो सेम गैमेट्स ही हम एक साइड रखेंगे, क्योंकि चार प्रकार गैमेट्स वहाँ पर बने थे, ठीक है। तो कौन कौन से गैमेट्स बने थे, गैमेट्स हमें मिले थे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, तो कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम करवाएंगे क्रॉस, तो जब हम इसका इससे जब हम इसके इससे वो करवाएंगे संकरण करवाएंगे क्रॉस करवाएंगे तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरीके से इसका फिर इससे पूरे से करवाएंगे, इसका इससे करवाएंगे सारे, ठीक है। तो अगर हम इसका करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। सेकंड है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो टोटल 16 यहाँ पर हमें पेयर्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब 16 संतानें हमें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। एफ टू जनरेशन में ये हमें मिल गई, एफ टू जनरेशन यानी पीढ़ी, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप जो अनुपात है वो क्या बनता है, ठीक है। तो बेसिकली अनुपात जो है हमें मिलता है 9:3:3:1, और जो जीनोटाइप होता है वो हमें मिलता है 1:2:1:2:4:2:1:1, ठीक है। तो अभी हम निकालना देखेंगे कि किस तरह से हम जो हमें रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं हम, यहाँ पर हम देखेंगे फिनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि दृश्य प्रारूप जो दिखता है अनुपात, और यहाँ पर हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो जो नहीं दिखता, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है। दृश्य प्रारूप में हम देखते हैं कि जो हमें दिखता है यानी कि वो गोल है, गोल या पीला है या फिर झुर्रीदार या फिर हरा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिचुएशन देख लेते हैं कि वो राउंड है, राउंड येलो है, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। वो गोल यानी संख्या कितनी है, ठीक है, गोल और पीला जो बीज है उसकी कितनी संख्या है, गोल और हरा जो बीज है उसकी कितनी संख्या है, झुर्रीदार और पीला जो है बीज उसकी कितनी संख्या है, और झुर्रीदार और हरा इसकी कितनी संख्या है, ठीक है।
तो देखो सिचुएशन कितनी हो सकती है, मतलब इस टाइप से हो सकता है कि मैंने कहा था कि दो, मतलब उस एलील्स में, उस जोड़ी में अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट वाला अपना प्रभाव दिखा देता है। तो यहाँ पर गोल बीज बन रहा है, यानी कि उसमें से एक डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि उसमें से एक आर हो और दूसरा कोई भी हो, और पीला होने के लिए कैपिटल वाई हो और सेकंड वाला दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। गोल और हरा होने के लिए क्या होना चाहिए कि कैपिटल आर गोल होने के लिए और हरा होने के लिए तो दोनों के दोनों रिसेसिव होने चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, रिसेसिव होने चाहिए। झुर्रीदार और पीले के लिए झुर्रीदार है, यानी कि स्मॉल आर होना चाहिए और पीला होने के लिए कैपिटल वाई होना ज़रूरी है सिर्फ, ठीक है, काफ़ी है उतना। और झुर्रीदार हरा होने के लिए क्या है, झुर्रीदार हरा होने के लिए मैंने रिसेसिव में कहा था कि दोनों रिसेसिव में दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि होमोजाइगस होना चाहिए, ठीक है। तो झुर्रीदार के लिए यानी कि स्मॉल आर और हरा होने के लिए भी स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये तो पूरी तरीके से रिसेसिव बन रहा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेशियो। तो रेशियो में मिलता है गोल और पीला, जो उनकी संख्या थी पीछे। आप लोग अब यहाँ पे मैं रेशियो लिख देती हूँ। तो अभी आप जब पीछे देखोगे, ठीक है, जब मैंने पुनेट वर्ग स्क्वायर बनाया था इतना बड़ा, उसमें आप इसकी संख्या देखोगे तो आपको उतनी संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो जो गोल और पीला होता है उसकी जो संख्या होती है वो होती है 9, ठीक है। गोल और हरा होता है उसकी संख्या होती है 3, और इसकी संख्या होती है 3, और इसकी संख्या होती है 1, ठीक है। ये रेशियो हमें मिलता है। तो जो जीन प्रारूप अनुपात है वो हमें मिलता है 9:3:1, ठीक है। ये हमें मिल गया कौन सा, दृश्य प्रारूप, ठीक है, जो दिखता है। जीन प्रारूप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें हमें बहुत लंबा जो अनुपात है वो मिलता है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वहाँ पे मतलब कितने तरह के जो है, मतलब जीन प्रारूप, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस तरह के वहाँ पर मतलब कितने प्रकार के प्रारूप बन रहे हैं, ठीक है। तो जीन प्रारूप बन रहे हैं, तो यहाँ पर वो इतने सारे आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेशियो लिख देती हूँ, और फिर हमें रेशियो ये से याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लंबा रेशियो है तो उसकी हम ट्रिक देखेंगे, जो कि हम लोग जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो जीन प्रारूप में जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमें जीनोटाइप रेशियो वहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है वो यहाँ पर क्या फिनिश, अब हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ असॉर्मेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक बार रिविजन करते हैं। मैंने क्या बताया कि जब हम दो कैरेक्टर्स को बेस मानकर हम वहाँ पर क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है वहाँ तो सेम सिचुएशन मिलती है, यानी कि हमें सारे के सारे जो बीज हैं वो हमें कितने मिलते हैं, कौन कौन से, गोल और पीले मिलते हैं। लेकिन जब हम F2 जनरेशन पाने के लिए जब हम वहाँ पर सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें 4 प्रकार के गैमेट्स देखने को मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। जब हम उसकी सेल्फिंग करवाते हैं तो 16 जोड़े वहाँ पर बनते हैं, और जिसमें आपका फिनोटाइप रेशियो हो जाता है 9:3:3:1, और जीनोटाइप मिलता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक है, ये हमें रेशियो मिलता है। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ असॉर्मेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट,
असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो इन कारकों की जो वंशागति है यानी इन कारकों का पृथक्करण और इनका चयन यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो जीन, कारकों का मतलब फैक्टर, फैक्टर का मतलब जीन, तो इनका सेग्रीगेशन और इनका सिलेक्शन इंडिपेंडेंटली होता है यानी स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती। अभी हम इसे देखेंगे। और ये चीज़ भी बोली जाती है कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो कहने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस है, कहने को तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस है लेकिन अगर देखा जाए तो वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मल्टीपल है, यानी कि वो दो एक संकर संकरण और एक संकर संकरण का क्या है, संग्रह है। किस तरह से, तो इसमें बताया जाता है, मैंने कहा था जीनोटाइप रेशियो हमें क्या मिला था एक तरह से, हाँ सॉरी, पहले मैंने क्या कहा, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि लॉ ऑफ असॉर्टमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसके द्वारा ये साबित होता है, और हमेशा याद रखिएगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो लागू होगा, ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, द्विसंकर संकरण पर। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, थर्ड लॉ है ये, ठीक है, थर्ड लॉ मेंडल का डेफिनेशन क्या है कि जब दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण करवाया जाता है तो इन कारकों का, यानी कि जीन कह सकते हैं, ठीक है, इन कारकों का पृथक्करण और चयन, ठीक है, पृथक्करण और चयन स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, रूप से होता है, अर्थात एक की वंशागति दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, ठीक है, दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो क्या कहता है मेंडल का तीसरा नियम, मेंडल का नियम कहता है कि जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले यानी कि वहाँ पे चार कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गई, तो उनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो उनके जीन, जो उनके फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, एक कारक की जो वंशागति है वो दूसरे कारक की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, या फिर एक कैरेक्टर की जो वंशागति है वो दूसरे कैरेक्टर की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी मर्जी होगी तो वो किसी से भी मतलब रिलेशन बनाकर, क्योंकि हमने देखा था कि F2 जनरेशन में हमें चार प्रकार के गैमेट्स वहाँ पर देखने को मिली थी। तो इससे एक चीज़ और ये मतलब साबित होती है कि जो कैरेक्टर या फिर जो एलील्स, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में साथ साथ थे, यानी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स, जो एलील्स, जो जोड़े हमें F1 जनरेशन यानी फिर पेरेंट्स में जो मतलब साथ साथ थे, वो F2 जनरेशन के आते आते वो अपना अपना प्रभाव वो वहाँ पर अलग अलग तरीके से वो सेग्रीगेट हो गए, उनका सिलेक्शन अलग अलग हो गया, है ना, यानी कि कैपिटल आर ने कैपिटल वाई के साथ रिलेशन बना लिया तो वहाँ पर, और कैपिटल आर ने स्मॉल वाई के साथ भी रिलेशन बना लिया, किस तरह से, इस तरह को इस तरह से समझ सकते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर है,
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी रिलेशन बना सकता है और कैपिटल वाई के साथ भी, ठीक है, दोनों के साथ वो क्रॉस कर सकता है। सेम चीज़ स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी क्रॉस कर सकता है, यानी कि इसकी वंशागति इसे प्रभावित नहीं कर रही कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना है, या फिर इसकी वंशागति इसे प्रभावित नहीं कर रही कि इसे इन दोनों में से किसी एक के साथ ही क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि वो अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से वहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है, और कैपिटल और स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें F2 जनरेशन में चार प्रकार के मिले थे। लेकिन अब अगर हम इनकी वंशागति देखें, अगर हम इनके पेरेंट्स को देखें, तो पेरेंट्स में क्या था, कैपिटल आर ही था, कैपिटल वाई बाय साथ ही था। इसका एक्सेप्शन है लिंकेज, लिंकेज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेंडल ने अपने तीसरे नियम में बोली। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि मैम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था, मेंडल का दूसरा नियम जो था पृथक्करण का नियम, उसमें भी वो भी तो इसी तरीके से था, लेकिन उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो जो युग्म विकल्पी होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात उसमें बोली थी। लेकिन लॉ ऑफ असोरमेंट क्या होता है कि एक की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, यानी वो अपने मन से चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों के साथ और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों के साथ क्रॉस कर सकता है। इतनी सी बात उन्होंने बोली अपने तीसरे नियम में, ठीक है। तो यही कहता है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, बात समझ में आई। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि ये पूरी तरीके से, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डाइहाइब्रिड क्रॉस अपने में डाइहाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन कहा जाए तो ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, मल्टीपल है। यानी कि क्योंकि मैंने कहा था कि मोनो का मतलब होता है एक कैरेक्टर और डाई का मतलब होता है दो कैरेक्टर, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो भी हम लोगों को याद करने पड़ेंगे किस तरीके से। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टाइप ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। इसके लिए तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2n इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी कि 4, ठीक है। सेकंड है टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3n 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या है, यानी n क्या है, n है कि संख्या कितनी है, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है क्योंकि वहाँ पर दो कैरेक्टर्स को लेकर बात करते हैं, तो पावर 2 हो गई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें टाइप ऑफ जायगोट्स, ठीक है, टाइप ऑफ जायगोट, तो इसके लिए होगा 4 की पावर n, यानी 4 की पावर 2, तो इसका हो जाएगा 16, ठीक है, बात समझ आई। ये कुछ फॉर्मूले हैं और इसी की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से किस तरह से रिलेट है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। किस तरीके से मैं ऐसे कह सकती हूँ कि डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है, डाइहाइब्रिड वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का संकरण है, सॉरी उनका मल्टीपल है, एक मोनोहाइब्रिड और दूसरा मोनोहाइब्रिड, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं, तो एक यहाँ पर कैरेक्टर एक आ गया, इसमें एक कैरेक्टर होगा और इसमें कैरेक्टर टू होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कैरेक्टर पहला जो है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर है शीड शेप, ठीक है, यानी कि शेप की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया राउंड और रिंकल, ठीक है, गोल और झुर्रीदार। और यहाँ पर कैरेक्टर दूसरा है तो मैंने कहा कलर ऑफ, ठीक है, शीड कलर,
शीड कलर, ठीक है। तो शीड कलर क्या हो सकता है, येलो और ग्रीन कह सकती हूँ मैं, है ना। मैंने क्या कहा कि डायहाइब्रिड क्रॉस है वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, संकरण है, सॉरी उनका मल्टीपल है, उन दोनों का ही संग्रह है, ठीक है। तो जिसमें अब शीड शेप के यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो दो हो सकते हैं, तो मैंने एक में कैरेक्टर एक रख दिया, दूसरे में सेकेंड कैरेक्टर रख दिया। शीड शेप तो राउंड हो सकते हैं, रिंकल हो सकते हैं, और शीड कलर येलो और ग्रीन। तो इस तरह से मैं बोल सकती हूँ कि डायहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम उसकी अगर बात करते हैं मोनोहाइब्रिड की, ठीक है, जायगोट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर पावर टू की जगह वन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक कैरेक्टर के लेकर एक कैरेक्टर को लेकर हम बात करते हैं ना, तो इसलिए पावर वन हो जाती है, लेकिन डायहाइब्रिड के लिए दो है। तो इसी तरीके से ट्राईहाइब्रिड के लिए भी अगर हम देखें तो वहाँ पर पावर हो जाएगी थ्री, ठीक है, थ्री पावर हो जाएगी। अब हम निकालते हैं रेशियो, तो रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम निकालते हैं जीनोटाइप रेशियो, सॉरी फेनोटाइप रेशियो, उसी से हम लोग जीनोटाइप रेशियो भी जो है बहुत ईजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो में मैंने कहा था कि वहाँ पर चार प्रकार के बीज बने थे, कौन कौन से, कैपिटल आर एंड राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो, ठीक है। इसका जो रेशियो था वो 9 था, इसका रेशियो था, इसकी जो संख्या थी वो 3 थी, इसकी 3 थी, इसकी 1 थी। अगर मैं इनका प्लस कर दूं और मैं इनका प्लस कर दूं, तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी 12 और यहाँ पर हमें मिल जाएगी 4, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि रेशियो में मिलेगा क्या, क्या रेशियो मिला हमें, 4:12:3, ठीक है, 12:4, ठीक है, ये अनुपात हमें मिल गया फिनोटाइप का। अब हमें ये फिनोटाइप का रेशियो मिल गया, ठीक है। अब रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ 12/4 कह सकती हूँ, ठीक है, कह सकती हूँ ना। अब मैं इनका डिवाइड करूँगी तो ये चला जाएगा एक बार में, ये चला जाएगा तीन बार में, तो हमें रेशियो मिल जाएगा 3:1। इसीलिए मैथमेटिक्स का उन्होंने इतना यूज़ किया था, ठीक है। तो 3:1 हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। अब अगर मैं कह दूं कि मैंने कहा था कि फिनोटाइप रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है 2 होगी, है ना, यहाँ पर n जो है वो क्या है, क्रॉस की मतलब वहाँ की संख्या है, कि मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं। तो अब हमें अगर फिनोटाइप रेशियो निकालना है, तो मैं कह सकती हूँ कि 3:1:2, ठीक है। अब हम इसका करेंगे इनटू, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3:1:3 लिख सकती हूँ। इसका आप करते हैं इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 3:3:9 3:1:3 1 का इसमें करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो मिल गया हमें रेशियो, सिंपल सी बात है, ये हमें फिनोटाइप रेशियो मिल गया। मैंने क्या कहा, सिंपल सी, यानी कि हमने कहा कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो हमें रेशियो मिले थे, हम उनके हेल्प से हम इजिली डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो निकाल सकते हैं, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस अगर याद नहीं होगा तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ट्रिक की हेल्प से, हमें बस पावर लगानी है, ठीक है। जो रेशियो था, जो रेशियो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वहाँ पर हमें क्या मिला था, वहाँ पर हमें फिनोटाइप रेशियो मिला था 3:1 और जीनोटाइप मिला था 1:2:1, ठीक है। तो हमने पावर कर दी उसकी 2, और उसका हमने जब इनटू किया पावर की, तो हमें रेशियो मिल गया जो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में मिला था एक्चुअल में। सेम चीज़ हमें होती है जीनोटाइप में भी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि फिनोटाइप में किस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, फिनोटाइप का। सेम चीज़ जीनोटाइप में भी होगी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो था, जो जीन प्रारूप अनुपात था, वो क्या था, वो रेशियो था 1:2:1। अगर हम इसकी पावर 2 कर दें, ठीक है, अगर हम इसकी पावर क्या कर दें, 2 कर दें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2:1 और 1:2:1। इसका मैं कर दूं इनटू, ठीक है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा, इसका ऐसे में करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1:2:1:2
4:2:1:2:1, ये मुझे मिल जाएगा अनुपात। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, आपको ये रेशियो मिलेगा वहाँ पर जीनोटाइप, ठीक है। तो सिंपल बात है, हम क्या कर देंगे उसकी पावर 2 कर देंगे तो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में मिल जाएगा। जो एक बार फिर से मैं कह देती हूँ कि जो अनुपात, जो रेशियो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, जब हम उसकी पावर 2 कर देंगे, ठीक है, पावर हम कितनी कर देंगे, 2 पावर कर देंगे, तो हमें वो अनुपात डायहाइब्रिड क्रॉस में मिल जाएगा, ठीक है। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो ट्राईहाइब्रिड का मतलब सिंपल सी बात है, जब हम 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्राईहाइब्रिड के बारे में। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस त्रिसंकर संकरण। तो 3 कैरेक्टर को लेकर हम जब बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मान लो मैंने एक कैरेक्टर लिया टॉल और राउंड और येलो, डोमिनेंट वाला हो गया। मैंने यहाँ पर लिया टॉल की जगह ड्वार्फ और राउंड की जगह रिंकल्ड और येलो की जगह ग्रीन, ठीक है। इसके जो एलील्स होंगे, जो जोड़े होंगे, युग्म विकल्पी, वो क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। गैमेट्स इसके बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ट्राई, ठीक है, ट्राई बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये तो हो गई पेरेंट्स, ये जनक हो गया, ठीक है, और ये हमें मिल गई F1 जनरेशन, ठीक है, ये हमें मिल गई F1 जनरेशन। जब हम इनका संकरण करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमें जनरेशन मिलती है F1 जनरेशन, ठीक है। ये हमें क्या मिली, ये हमें मिल गई F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन मिल गई, ठीक है। तो ये हमें मिल गई F1 जनरेशन। जब हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, जब मैं साइड में होती हूँ तो इसका ले लिया करूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है, अगर जो नोट्स बना रहा है तो हमें क्या मिली थी F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें मिली थी F1 जनरेशन। इसकी हम करवाएंगे सेल्फिंग जब करवाएंगे, यानी कि स्वपरागण, तो हमें 8 टाइप्स मिलते हैं हमें गैमेट्स, ठीक है, 8 प्रकार के हमें कितने मिलते हैं 8 प्रकार के। ट्राईहाइब्रिड के लिए यहाँ पर जो संख्या होगी वो 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी और 4 की पावर 3 हो जाएगी, इस तरह से हो जाएंगे यहाँ पर अगर हम ट्राईहाइब्रिड के लिए देखेंगे तो, ठीक है। तो सेल्फिंग हम जब करवाते हैं तो अब हम इनका जो संकरण करवाएंगे तो हमें 8 64 कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे किसमें, F2 जनरेशन में, ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस भी समझा दिया कि अगर थोड़ा सा पूछ ले, ठीक है, जो नीट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। फिनोटाइपिक रेशियो मैं बता देती हूँ, जीनोटाइप रेशियो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका आप जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। सिंपल से मैंने ट्रिक बताती कि तो देखते क्या है, पहले हम निकालते हैं फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, जीनोटाइप आप लोग बताओगे। तो फिनोटाइप रेशियो निकालना है हमें, फिनोटिपिक रेशियो किसका, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का। तो अब हम देखते हैं हमें उसमें क्या मिला था। देखो यहाँ पर मैं 3:1:3 कर सकती हूँ, तो ये ज़रूरी है कि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको रेशियो निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ना तो आपको दिक्कत होगी डाईहाइब्रिड क्रॉस में और ना ही प्रॉब्लम होगी आपको ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 कर दी मैंने, तो हमें जो रेशियो मिला था उसकी पावर भी कर देते हैं, हमें मिल गया, तो सीधी सी बात है हम इंटू कर देते हैं 3 की, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 3:1:3:1:3:1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9:3:3:1:3:1, ठीक है। इसका जो हम करवाएंगे,
ठीक है, इसका इंटू जब हम करेंगे ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 27, हमें मिलेगा 27:9:9:3:9:9, ठीक है यही होगा ना, 27:9:9:3:9:3:1 यही मिलेगा, इंटू करके देखना ठीक है। तो 9 3 9 9 3 3 9 3 3 3 3 3 3 9 3 1 3 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा ठीक है। तो ये हमें जीनोटाइप मिल गया, सॉरी फिनोटाइप मिल गया ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में कि जीनोटाइप हम कैसे निकालें। सिंपल सी बात है, जीनोटाइप में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1:2:1 का आप कर दोगे क्यूब ठीक है, क्यूब कर देना। तो सेकंड भी बता देती हूँ, हाँ बस आपको निकालना इसका ठीक है। तो बस यहीं तक हमें समझना था, लॉ ऑफ असॉर्मेंट हमने समझ लिया, लिंकेज वाला समझ लेंगे, इसके बाद भी थोड़े एक दो एक्सेप्शन है उसके बारे में समझेंगे और फिर हम लोग क्रोमोसोम थ्योरी हम लोग समझेंगे ठीक है। तो इसके बाद जो लेक्चर है तो उसमें आगे का टॉपिक जो है इसे जारी रखेंगे इस चैप्टर को। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।